के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। तिवारीपुर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराकर लोगों से ठगी करने वाले 25,000 के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कोतवाली ने कहा, फर्जी दस्तावेजों से करता था ठगी। अपनी मांगों को लेकर निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रहे शहर की ओर कूच कर रहे निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, किया हल्का बल प्रयोग। एसएसपी ने कहा, निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर जा रहे थे शहर की ओर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा बैठक। डीएम ने योजना को किसानों पर पहुँचाने के दिए निर्देश, कहा कोई लाभार्थी किसान योजना से ना रहे वंचित। शस्त्र पूजन के साथ धूमधाम से मनाया गया 26वीं वाहिनी पीएसी का 54वां स्थापना दिवस। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री को लिखी भारत के मन की बात के माध्यम से कही अपने मन की बात। पुलिस के लिए चुनौती बने दुसाहस चोर, नगर निगम के जनरेटर की बैटरी दोबारा हुई चोरी। पार्षदों के साथ अंधेरे में समय बिताए महापौर ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरख प्रांत के तत्वावधान में आयोजित हुई संगोष्ठी, उभरता भारत नई आशाएं विषय पर अतिथियों ने रखे विचार। और पुरानी पेंशन योजना बहाली सहित 9 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने निकाला मशाल जुलूस।